नमस्कार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी जुबिनाइल को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या राइट्स होते हैं और उस जुबिनाइल के साथ कैसे बिहेव होता है उसके केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है आइए सबसे पहले जानते हैं कि जुबिनाइल कौन होता है जुबिनाइल उस लड़का या लड़की को कहा जाता है जिनकी उम्र अठारह साल से कम होती है या जो भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है यदि उसके साथ किसी भी तरह का अपराध होता है उससे किसी भी तरह का अपराध होता है तो उसको अडल्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है उसका केस जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर चलता है जिन बच्चों से कम उम्र में किसी भी तरह का अपराध हो जाता है उनकी केयर उनका प्रोटेक्शन उनके डेवलपमेंट और उनके रिहेबिलेशन के लिए एक एक्ट एक बनाया गया है यदि बच्चों को आ, भी यदि किसी बच्चे को अन्य बड़ी उम्र के अपराधियों की तरह डील किया जाएगा तो उनका फ्यूचर पूर्ण रूप से तो बर्बाद हो ही जाएगा यदि यही सोच के ये एक्ट बनाया गया है आइए जानते हैं इस एक्ट के तहत किसी ज्यूबिनाइल को कैसे ट्रीट किया जाता है या किया जाना चाहिए और उसके केस को कैसे हैंडल किया जाता है सबसे पहली बात कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को जेल में या पुलिस कस्टडी में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है इनके लिए रिहेबिलेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे इनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है इनकी केयर होती है इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है दूसरी चीज़ अपराधी चाइल्ड की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके उस प्रोडी उस प्रोसीडिंग्स के साथ किसी अडल्ट अपराधी की मतलब 18 साल से उम्र का जो भी बड़ा अपराधी है उसकी प्रोसीडिंग्स के साथ क्लैश करके इसको नहीं चलाया जाता है दोनों की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग अलग होती है तीसरी चीज़ जोविनाइल की किसी भी तरह की पिक्चर या ऐसी कोई चीज़ पब्लिक नहीं की जाती है जिससे सोसाइटी में उसकी पहचान सामने आए और लोग उसको अलग मतलब गलत नज़रों से देखें अगर यही पिक्चर ही सामने आ जाएगी तो ये अलग से एक्ट बनाना या फिर बच्चों को अलग रखना ये चीज़ का का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म ही हो जाएगा चौथी चीज़ उसकी उम्र को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कभी भी उसके उम्र को भूला नहीं जाता है पांचवी चीज समन भेजने और केस को खत्म करने का प्रोसीजर बहुत ही क्विक होता है इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं की जाती है छठी चीज किसी भी जुवेनाइल को उम्र कैद और फांसी जैसी गंभीर सजा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है सातवीं चीज यदि कोई जुबिनाइल जिसकी उम्र साल है या सोलह से कम है लेकिन उसने उसका जो अपराध है वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर है बहुत सीरियस ऑफेंस के लिए वो आ, उसको वहाँ पर रिहेबिलेशन सेंटर या जो विनाइल जस्टिस केयर में रखा गया है और ऐसा लगता है कि उसका वहाँ पर रहना बाकी बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है तो ऐसे केस में उसको अलग रख दिया जाता है बाकी बच्चों से अलग करके थोड़े दिनों के लिए या फिर जितने भी समय के लिए उसको अलग रखा जाता है ताकि बच्चों को दूसरे जो जुविनाइल हैं उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो आठवीं चीज़ जो पुलिस ऑफिसर जुविनाइल से डील करते हैं उनको स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाता है और स्पेशली उनको ट्रेंड किया जाता है कि उनको जिवाइल के साथ कैसा बिहेवियर रखना है कैसे उनको ट्रीट करना है नोवी चीज़ ज्योविनाइल के रिलीज़ के टाइम पर उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो गार्जियन हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है ताकि उनका फ़्यूचर जो है वो किसी भी तरह से बर्बाद ना हो क्योंकि जब आप कोई भी अपराधी हो जाता है या फिर उसने किसी भी तरह का अपराध कर दिया होता है तो आसपास की सोसाइटी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसी तरह से अगर फैमिली मेम्बर्स भी उसको अपराधी मानने लगेंगे तो उसका फ़्यूचर तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा तो अगर इस वीडियो में हम हमने आपको जीवनाइन जस्टिस जस्टिस एक्ट के बारे में बताया अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर एट वन थ्री जीरो वन फाइव जीरो वन टू थ्री पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद